पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। देखिए कि ये एक कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आज मैंने देखा कि मेरा समय पूरा हो चुका था और मैं कथा सुनाते सुनाते मुझे लेने के लिए यमराज आए। तो मैंने ध्यान से देखा तो यमराज के पीछे पीछे भगवान थी। भगवान हमें लेकर जाने लगे तो भगवान ने खुद कहा, इन भक्तों से कुछ कहना चाहोगे? तो हमने कहा आपकी आज्ञा हो, तब चल ही रहे हैं तो आखिरी कुछ कह लेते हैं। मैंने कहा ये बात, मैं जीते जागते कह रहा था भगवान से। मैंने कहा प्रभु, जिन जिन भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 1 रुपया भी दिया हो, उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। आज मैंने तो ये देखा दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जो कि आपको याद भी होगा, कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर, और जिनसे लगातार कुछ लोग सवाल पूछते रहते हैं, और कभी लड़की, कभी महिलाएं, कभी बच्चे, इनके साथ जो बहस होती है वो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रही है। और अभी भी देवकी नंदन ठाकुर की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि देखिए, चंदा मांगने का एक नया ही तरीका निकाल लिया है देवकी नंदन ठाकुर ने। और लोग कह रहे हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जी खुद कथा कर रहे थे और कथा के बीच में इनको यमराज लेने आ गया, बताइए कैसे संभव है? और उसके पीछे पीछे भगवान आ गया, और यमराज को छोड़कर भगवान के साथ देवकी नंदन ठाकुर जा रहे थे, और उसके बाद भगवान ने इनकी आखिरी इच्छा पूछी, तो देवकी नंदन ठाकुर ने एक जो भी इनका आश्रम वगैरह होगा, जो के गौरी गोपाल नाम से कोई, के इसमें जिस जिसने भी 5 रुपए भी दिए हैं तो उनके लिए ये सब कर देना, मतलब के केवल वही लोग पार होंगे इनके हिसाब से, तो जिन्होंने इनके इस गौरी गोपाल जो भी इनका आश्रम वगैरह है उसमें अगर चंदा दिया है तो वही पार होंगे, बाकी तो दुनिया ऐसे ही पागल है। और लोग इन पर सवाल उठा रहे कि देखिए, ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और नए नए तरीके निकाल रहे हैं, जो भी इनके पास श्रद्धालु जाते हैं, श्रद्धा से इनकी कथा सुनने जाते हैं, उनसे पैसे निकलवाने के। हालांकि आपने भी देखा होगा कि आजकल तो कुछ ज़्यादा ही जो भारत में बाबा लोगों का बोलबाला हो रहा है हर जगह, और सबका अपना अपना तरीका है कि अपने ही जो श्रद्धालु होते हैं उनसे पैसे किस तरह से लेने हैं। कोई किसी तरह से लेता, कोई किसी तरह से लेता, कोई प्रत्यक्ष रूप से लेता तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो तो खुद ही अपना जो भी उनका बाबा वगैरह होता है उसके सामने ही वो गुल्लक रख देते हैं कि इसमें दान चढ़ा, ये सभी श्रद्धा सामान जो भी हो। और कुछ लोग ऐसा ना करके वो अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, और यह सब लगातार चलता ही रहा है, क्योंकि धर्म एक सबसे बड़ा धंधा बन गया भारत में खासकर, क्योंकि जिस तरह से राजनीति सबसे बड़ा धंधा था, लेकिन राजनीति से बड़ा कोई धंधा अब बना हुआ है तो वो धर्म बना हुआ है, और धर्म के नाम पर सभी लोग अपनी लूट खसोट जारी किए हुए हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से भोली भाली जनता को डर दिखाकर, कभी 84 लाख जूनियों का तो कभी अगले जन्म का, न जाने क्या क्या करके जनता को लूट रहे हैं, लेकिन जनता के काम कुछ भी नहीं कर रहे। और यही कारण है कि लोग ऐसे बाबाओं को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, नए नए तरीके निकाल रहे हैं अपने ही श्रद्धालुओं को लूटने के, और खुद की मौत का ड्रामा कर रहे हैं, और इसको लेकर लोग जो देवकी नंदन ठाकुर है उनको ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।